नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं, आज की जानकारियां जैसे कि कुछ समय पीछे से हमारी जो जानकारियां जो है वो चल रही हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि आप नाम नहीं बताते। जब वीडियो बनाने का फायदा कोई नहीं है दोस्तों कि अगर नाम ना बताया जाए। आप ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में भी लिखा है, हेडिंग में भी लिखा है, बीच में भी दिया है कि प्लांट का नाम ये है। तो इस तरह से आप गौर से देखें उसको। और मैं बोलता हूं कि व्हाट्सएप पे ही जवाब लें, लेकिन नहीं, कॉल करते करते उठाते परेशान हो जाते हैं। फिर ये होता है कि यार वीडियो डाली ही क्यों तुमने। तो ये देखिए प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये प्लांट है इलायची। नाम याद ध्यान से सुन लें, इलायची प्लांट है ये। इलायची या कार्डामोम बोलते हैं, जो हरी इलायची आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, किसी हलवे में या किसी चाय में यूज़ करने के लिए, किसी काढ़े में, किसी भी पकवान को बनाने के लिए, खुशबू के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये प्लांट जो है वो है इलायची प्लांट। और इसका ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर आता है, लेकिन यहाँ पे अपने नॉर्थ इंडिया में इसमें फूल नहीं आता, फल नहीं लगता है। फूल आता है, फल नहीं लगता, क्योंकि इसका मौसम इसके अनुकूल नहीं है। तो इसकी मैं आज टोटल जानकारी दूंगा कि कैसे हम घर में लगा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये देखिए इलायची का पौधा जो है, हमने 4 साल पहले एक पौधा इसमें लेके लगाया था, और तब से इसमें से कितने ही पौधे ना जाने हमने तैयार कर लिए और कितना यूज़ इन पत्तों का ले लिया। हम हर्बल टी बनाते हैं उसमें लेते हैं, और इसके पत्ते को आप जो डेली रोज़ की चाय बनाते हैं उसमें इन पत्तों को एक पत्ता डाल दें तो आपको जो है ताज़ा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और ताज़ा एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग का काम करता है, जो हमारे शरीर पे झुड़ियाँ नहीं आने देता। हमारे शरीर से जितने टॉक्सिन हैं, जो जहरीले केमिकल हमारे शरीर में हैं, उनको सबको वॉश आउट करता है। अगर हम इलायची खाते हैं तो वो क्या होता है कि सालों का सूखा हुआ और रखा हुआ होता है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू, खुशबू तो होती है लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो लगभग 50-60% ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये ताज़ा आपके घर में उग रहा है, और घर में उगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से उग रहा है, तो उसका जो इस्तेमाल करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया पड़ता है। तो आप ऐसे लगा कैसे सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम यूज़ की बात करें, चाय में यूज़ कर सकते हैं, काढ़े में यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मच्छर भगाने के लिए भी, जो इसके सूखे पत्ते हैं इनको आप थोड़ा सा सुलगा देंगे तो मच्छर जो है इसकी खुशबू से भाग जाएंगे, मच्छर पास नहीं आएंगे इसकी खुशबू से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये आपको जो है ना कॉयल जलाने की, ये जलाने की जो केमिकल्स वाली हैं, उसको धुआं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा काम करेगा। तो आइए समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए हम जान लेते हैं कि इसको लगाएं कैसे। देखिए सबसे पहले तो प्लांट आपको किसी नर्सरी से मिल जाएगा। आप लोग पूछते हैं कमेंट में मिलेगा कहाँ। अब पौधा है तो पौधे वाली शॉप से ही मिलेगा, जैसे कि नर्सरी है कोई, वहीं से मिलेगा, किसी कपड़े की दुकान से नहीं मिलेगा, किसी राशन की दुकान से नहीं मिलेगा जिंदा पौधा। तो आप सीधे सीधे नर्सरी में करिए पता। देखिए आजकल के डेट में क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं या अच्छा इंसान होता है उसको बहुत ढूंढना पड़ता है, बड़ी कोशिशों के बाद मिलता है आखिरकार। तो ये आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो चलन में है ही नहीं। आजकल हम गोली पर जीते हैं, सुंदरता पे जीते हैं, तो वो चीज़ छोड़ करके थोड़ा सा अलग हट के देखना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि अगर आपके पास पौधा है या अड़ोसी पड़ोसी के पास पौधा है तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए अब बरसातों का टाइम आने वाला, गर्मी चल रही है, और गर्मी में इसकी पूरी फुटाव करता है। देखिए इस तरह से नए नए पौधे जो हैं, सैकड़ों पौधे इनमें से निकल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बड़ी सावधानी से जड़ समेत इसका एक टहनी निकालेंगे और उसको हम कैसे हम लगाएंगे ये जानेंगे। देखिए निकालने का थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये जड़ कर चुका है 4 साल में पूरी तरह से, तो इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी तो निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस बाल्टी से निकालना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा इसको, जितनी बुरी तरह से 4 साल में जड़ कर गया है। ये देखिए खुरपी टूट जाएगी, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कोशिश करते हैं, हम भी जीती हैं, ये जीती है तो कुछ ना कुछ तो हम निकाल के ही दम लेंगे। ये देखिए
ये लग रहा है कि कुछ हमारे को आज निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ पौधा हमारा निकल गया है। ये देखिए, ये इस तरह से पौधा हमारा निकल जाएगा, और थोड़ा भी रूट है तो कुछ दिन में ये आराम से फुटाव कर जाएगा। और इसका जो पत्ता आप सूंघेंगे तो देखेंगे, या इसकी जो कंद है, बिल्कुल इसके कंद को भी अदरक की तरह आप यूज़ किया जा सकता है। इसको कूट करके, सुखा करके, जैसे भी आप यूज़ करें, बहुत अच्छे से इसकी जड़ों को भी यूज़ किया जा सकता है। तो इलायची का सिर्फ फल ही यूज़ नहीं करेंगे, आप उसका पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, डंडी भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कि कुछ पौधे हमने निकाल लिए हैं, आपको दिखाते हैं कि लगाना कैसे है इसको। कोई ज़्यादा कठिन मेथड नहीं है, ये देखिए ये बहुत अच्छे से निकल गया है। तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इसके पूरे पौधे को निकालने के लिए, खेत में लगाने के लिए, नंबर ऑफ प्लांट्स बनाने के लिए हमें पूरी बाल्टी को जो है काटना पड़ेगा, तभी निकलेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं निकलेगा ये प्लांट। तो ये देखिए, ये हमने निकाल लिया। अब ये हम प्लांट लगाएंगे दोस्तों, तो जैसे हल्दी अदरक होती है, इसी तरह से देखिए कुछ अदरक की तरह ही पत्ता है। इसको हमने इस तरह से लगाना है, और ज़्यादा अगर ये ऊपर की तंग करे तो आपने ऊपर से क्या करना है, इसको इस तरह से कट कर देना है, इससे कट कर देना है। इसमें क्या होगा कि ये हवा के साथ बार बार हिलेगा नहीं, तो ये रूट जो है इसकी फॉर्मली सेट हो जाएगी। और इसमें से दो फुटाव तो अभी निश्चित ही आपको मिलेंगे, एक ये और एक ये। तो इस तरह का कोई 8-10 इंची गमला या 12 इंची गमला ले लें, उसमें नॉर्मल मिट्टी, कुछ भी खास नहीं देना है इसको। बस इसको अगर अच्छा सर्वाइव कराना है तो साल में 3-4 बार जो है इसमें खाद अच्छे से डालनी है। जिस तरह का ये जड़ हो गया है आप देख रहे हो, तो इसमें तो देखिए कोई सॉलिड खाद पड़ेगा नहीं, तो हम लिक्विड खाद जो है 2 महीने में एक बार डाल दिया करते हैं, और बहुत बढ़िया फुटाव करता है। जैसे अभी धूप में थोड़ा सा सूख गया था, अब बरसातें आ रही हैं आगे, तो इस तरह से फुटाव शुरू हो गया और पूरा नया हरा भरा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसको। देखिए लगाने का तरीका क्या है, ये सिंपल सा तरीका है, बस इतना करेंगे और इस तरह जड़ को जो है इसको फर्मली फिट कर देंगे, और ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी हम मिट्टी से दबा देंगे। इसी तरह दूसरा एक पौधा और हम इसमें लगा देते हैं। इसमें भी देखिए कि कई फुटाव जो है आ रहे हैं, नए नए देखें, जैसे हल्दी में इसमें आता है तो उस तरह से आ रहा है। और इसको हम, ये देखिए, ये जड़ को अंदर करते हुए इसको फर्मली फिट कर देंगे। पानी डाल के 5 से 7 दिन तक इसको हम छाया में रखेंगे, क्योंकि ये मदर से अलग हुआ है। मदर से अलग होता है तो पौधा शॉक में जाता है थोड़ा सा, तो 5 से 7 दिन तक जब हम इसको छाया में रख देंगे, इसके बाद हम नॉर्मल धूप में लेके आएंगे, और आप ये देखेंगे मैक्सिमम 15 से 20 दिन में इसका फुटाव आना शुरू हो जाएगा और ये पौधा आपका चल पड़ेगा। और आने वाले 1 साल के अंदर ये गमला पूरे पौधों से भरा होगा, अगर आप न्यूट्रिशन सही डालेंगे तो दोस्तों। और ये रही जड़ की बात, इस जड़ को धो करके और हम चाय में, काढ़े में, किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्ट के साथ साथ आपके शरीर को टॉक्सिन फ्री करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट जो है बॉडी में हमारी जो है ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएगा। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, एक अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी स्वस्थ रहें हमारी तरह। धन्यवाद दोस्तों।